सभी को आवाज आ रही है मेरी? So, good evening to all of you. आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं. कल जैसा कि हमने बात किया था गवर्नेंस पे, तो गवर्नेंस के बेसिक कुछ स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस कर लिया था. डेफिनेशंस उसके क्या थे. गुड गवर्नेंस आज हम लोग शुरू करने जाएंगे, गुड गवर्नेंस के इश्यूज को. तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक को. गुड गवर्नेंस का आज अपना टॉपिक शुरू होगा. अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर, कुछ फैक्ट्स को पहले लिखवा देते हैं, फिर अपना आगे का डिस्कशन को शुरू करेंगे इसमें. तो गुड गवर्नेंस में इसमें पहला चीज़ है, दैट इट इज़ एन आइडिया. इसको आप समझ सकते हैं, इट इज़ एन आइडिया विच इज़ which is difficult to achieve in its totally. अब ये पॉइंट को स्टार्टिंग में लिखवाने का सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि ऑल अराउंड वर्ल्ड ये मैटर पे डिस्कशन होता आ रहा है गुड गवर्नेंस के ऊपर. बट समझना ये है कि देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स जो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, और इंडिया जो वर्ल्ड का बिगेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के फैक्ट में हम लोग देखते हैं, तो अगर इन दोनों कंट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे, या किसी डिक्टेटर अगर डिक्टेटरशिप्स कंट्री नॉर्थ कोरिया की अगर आप बात करें, कहीं पे भी गुड गवर्नेंस के लेके बहुत सारे ऐसे सोसाइटी में है कम्युनिटी सेक्शन जो इसके ऊपर डिस्कशन करती है. बट एक फैक्ट जो मैंने अभी आपको लिखवाया, ये शुरुआती दौर पर ये सच्चाई है जो हमें जल्द से जल्द एक्सेप्ट करना हमारे लिए बेहतर है, कि ये एक ऐसा आइडिया है गुड गवर्नेंस को लेकर. अगर हम लोग देखें तो ये एक ऐसा आइडिया है जो कि टोटली फॉर्म में इसको अचीव करना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से हमें पता है कि हमारे पंजे में 5 किस्म की उंगलियां मौजूद है बाय नेचर, तो 5 के अलग अलग फीचर्स है. वैसे ही सोसाइटी में 5 कम्युनिटी हैं. अब आप अगर स्टेट अगर यहाँ पे जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, वो इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जब स्टेट एक कम्युनिटी के हिसाब से अगर गुड गवर्नेंस का अगर कंसेप्ट को तैयार करे, तो फिर डिपेंड करता है कि दूसरा कम्युनिटी के लिए शायद वो गुड गवर्नेंस ना हो. मतलब एक कम्युनिटी जिस फैक्ट को, जिस लॉ को गुड गवर्नेंस के अंदर कंक्लूड कर रहा है, शायद दूसरा कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट ना करे, तीसरा करेगा तो चौथा नहीं करेगा. मतलब क्या है, गुड गवर्नेंस आप हर एक समाज के हिसाब से अगर आप देखें तो ये शायद संभव नहीं है पूर्णतः सामाजिक तौर पर इसको लागू करवाना. अब इसको हम अगर बेसिक तौर पर देखें तो बहुत सारे ऐसे कानून बीते इतिहास में हमें देखने को मिले हैं और आज भी आ रहे हैं. तो गुड गवर्नेंस को लेकर इसमें तो डिस्कशन होता आ रहा है, ना जाने अब फ्यूचर में कब तक होता है, लेकिन ये लाइन को आपको बेसिकली यहाँ पे इसको याद करके रखना है. तो गुड गवर्नेंस का ये फर्स्ट लाइन है. नेक्स्ट हम लोग अब मूव ऑन करते हैं आगे. गुड गवर्नेंस के ऊपर कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं. सेकेंड लाइन इसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा कि गुड गवर्नेंस
गुड गवर्नेंस हैज 8 मेजर कैरेक्टर, 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कंक्लूड कर लेते हैं। जैसे पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो पहला है पार्टिसिपेशन। फर्स्ट में पार्टिसिपेशन, वन बाय वन इसके ऊपर हम एक्सप्लेनेशन देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। सेकंड है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ एनसीईआरटी में पर्टिकुलर इसके ऊपर बहुत सारा लेक्चर अवेलेबल है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। थर्ड वन है ट्रांसपेरेंसी। फोर्थ वन है रिस्पॉन्सिवनेस। नेक्स्ट है कंसेंसस। कंसेंसस ओरिएंटेड। अब इस पे कुछ जो एग्जामिनेशन अभी दे रहे हैं उन लोगों को इस जगह पे ओरिएंटेड वर्ड का वैल्यू भी स्पेशली हम समझाएंगे। वहाँ पे भी आप लोग को ये वर्ड को थोड़ा ज़्यादा एग्ज़ाम जो दे रहे हैं खास करके मेंस और प्रीलिम्स, उनके लिए ये वर्ड स्पेशली इम्पॉर्टेंस ज़्यादा रखता है। और इसके बाद है इक्विटी एंड इनक्लूसिवनेस। नेक्स्ट वन है इफेक्टिवनेस। अच्छा पहले इसको डिस्कस करते हैं, इसके बाद अपने कुछ और एक दो पॉइंट बाकी हैं। लास्ट एक अगर इसको हम लिख देंगे यहाँ पे तो एक पॉइंट को और हम जोड़ देते हैं, अकाउंटेबिलिटी। तो गुड गवर्नेंस के ये कुछ 8 टोटल मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें बेसिकली पहला क्या है, पार्टिसिपेशन। आप मैंने कल जब लेक्चर की शुरुआत की थी तब मैंने एक बात को नोटिफाई करवाया था कि देखिए गवर्नेंस की शुरुआत आपके घर से होती है, ठीक है। प्रशासनिक काम जो आप देख रहे हैं, जो सरकार केंद्र में बैठकर या राज्य का जो राजधानी है वहाँ पे बैठ कर के जो कार्य कर रही है, वो सेम चीज़ आपके घर से गवर्नेंस की शुरुआत होती है। अगर हम बात करें बेसिकली तो आपके घर में अगर गवर्नेंस की शुरुआत हो रही है तो आपके घर में क्या पार्टिसिपेशन का मेन वैल्यू इम्पोर्टेंस है? अगर आप देखते हो तो शायद ऐसा कोई होगा जो इसके ऊपर आर्ग्यू रखता हो अपना। बट पार्टिसिपेशन घर से शुरुआत होती है, मतलब क्या, हर काम को लेकर हर एक का इम्पॉर्टेंस है, रेलिवेंसी है, ठीक है। मदर का अपना है, फादर का अपना है, अलग अलग जितने भी मेम्बर्स हैं फैमिली में सबका अपना अपना मेन वैल्यू है। ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनका अलग है वैल्यू। बट एक घर को चलाने के लिए पार्टिसिपेशन का इम्पॉर्टेंस बहुत ही ज़रूरी है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और हर एक मेंबर का पार्टिसिपेशन, उनके अपने अपने जो डेजिग्नेटेड जो ड्यूटी हैं उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, मेन ये चीज़ है। रूल ऑफ लॉ को लेकर मेन डाउट होता है और डिस्कशन इसी के ऊपर होता है। रूल ऑफ लॉ जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था तब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब उसमें बहुत सारे जितने भी मेंबर हमें देखने को मिले तो उनमें ये बात बहुत आया कि रूल ऑफ लॉ को कैसे एस्टैब्लिश किया जा सके। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, बहुत डिबेट इसमें आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस में रूल ऑफ लॉ एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें इलैबोरेशन दिए हुए हैं। उसके अलावा भी अलग अलग आपको मतलब सब्जेक्ट में रूल ऑफ लॉ के बारे में, इसके इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। बट रूल ऑफ लॉ एग्जैक्टली है क्या, तो कानून का राज, नाम से ही पता चल रहा है कानून का राज। बट कैसे कानून का राज, ये कब स्थापित होगा? कानून का राज में एक बेसिक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे सपोज आपके घर में कोई एक रूल बन रहा है, आपके घर में कोई रूल बन रहा है, लेकिन उस रूल को आप खुद अवॉइड कर रहे हो, उस रूल को आप खुद फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कहाँ से आपके
घर में वो जो लॉ तैयार किया गया है, जिस भी आपके फोर फादर एंड सिस्टर जो भी उस लॉ को तैयार करके आपकी कम्युनिटी, आप जिस कम्युनिटी में बिलोंग कर रहे हो, जिस सोसाइटी में बिलोंग करते हुए आपकी फैमिली जो चल रही है, तो फिर आप रूल को ही अगर अपने घर का अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो फिर यहाँ पे लॉ की तो बात ही नहीं आएगी। लॉ का मतलब क्या, आप लॉ ऐसा नहीं कि एक दो दिन में ये बनता है। हमारे सोसाइटी को चलाने के लिए जो लॉ है, हमारे कंट्री को चलाने के लिए जो लॉ है, ठीक है, हमारे रिलीजन को चलाने के लिए जो लॉ है, ये बहुत लंबे समय से इसके ऊपर डाउट डिबेट लोगों के होते आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ इसके ऊपर लोगों के एक्सप्लेनेशंस भी हैं, फिलॉसफी भी है। अब वेस्टर्न का फिलॉसफी इसमें अलग है और इंडियन फिलॉसफी इसमें अलग है, बट ओवरऑल बात क्या है रूल ऑफ लॉ में, कि आपको अपने घर में एक घर अगर आपको चलाना है तो फिर वही बात यहाँ पे घूम फिर कर आता है कि आपको घर पे अपने बनाए हुए कानून को मानना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ में आपको पहले यही बात को समझना है। तो रूल ऑफ लॉ को आपको क्या समझना है, रूल ऑफ लॉ मतलब क्या, घर के बनाए हुए कानून को आपको पालन करना है। लेकिन एक सवाल है कि अगर कोई पालन ही ना करे, हम लोग 26 जनवरी में जो एक मॉब रेड फोर्ट में अटैक की थी आपने देखा था, देश में कानून था, देश में पुलिस भी था। इनफैक्ट उस वक्त मैं दिल्ली में रहकर मैं ऑनलाइन क्लासेस ले भी रहा था, और मुझे याद भी है उस वक्त जब 26 जनवरी के समय ये इंसिडेंस हुआ था दिल्ली में, जब एक तरफ कुछ किलोमीटर शायद 3 से 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे राजपथ है जहाँ पे परेड हो रही थी, तो रेड फोर्ट से 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में जहाँ पे परेड हो रही है, 3.5-4 किलोमीटर के डिस्टेंस में जहाँ पे परेड हो रही है, सो इतने मतलब करीब होने के बावजूद उसी जगह पे एक ऐसा इंसिडेंस होता है, वो भी उस दिन जिस दिन इसी लॉ का एस्टैब्लिशमेंट का हम लोग डे मना रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बेसिक रूल ऑफ लॉ में आपको क्या समझना है कि कानून तो बन तो गया है, लेकिन कानून बन गया किसके लिए, हमारे लिए बना है, और हम लोग अगर उस कानून को जब तक मानेंगे नहीं तो फिर उस कानून को बनाने का फ़ायदा क्या है। और सवाल ये भी है कि कानून बन गया तो कानून को पालन करने के लिए मन में भय भी होना चाहिए। अब जब इंसानों के मन में कानून के प्रति अगर भय खत्म हो जाए तो फिर क्या किया जा सकता है। जब इंसान अगर सोच ही ले कि कानून को हमें अगर तवज्जो नहीं देना है तो फिर फ़ायदा क्या। तो रूल ऑफ लॉ में एक एसेंस आपको यहाँ पे एक एसेंस को आपको फील करना है कि कानून के प्रति श्रद्धा, डर, भय और आदर, ये चीज़ को आपको रूल ऑफ लॉ को टॉपिक जब भी आप देखें तो इसके बारे में आपके दिमाग में यही वर्ड आने चाहिए। तो अब जब हमारा किसी लॉ के प्रति, किसी भी लॉ के प्रति अगर रिस्पेक्ट है, फियर है, तो उसके प्रति हम अपने जो कर्तव्य हैं उसको भी हम पूरा फुल फ्लेज तो नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश हम लोग कर सकते हैं उसको जहाँ तक हो सकता है हम लोग पालन करें। एक्सट्रीम कोई कानून को कोई मानता हो ये तो हम शायद ना कहें, कोई नहीं मानता। आप हम जैसे ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो डेली ट्रैफिक लाइट के सिग्नल को तोड़ कर आकर यहाँ बैठ कर अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आप और हम आपकी बात नहीं है, लेकिन ये हमें मानना चाहिए। रूल तो बहुत सारे माइंड बहुत सारे रूल हमें देखने को मिलते हैं। तो रूल ऑफ लॉ मतलब क्या, कानून के प्रति श्रद्धा, भय तथा उसको पालन करने का जो एक अंदर में एक जज्बा होता है, रूल ऑफ लॉ उसी आधार को कहा जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी की बात अगर करें तो ट्रांसपेरेंसी में क्या है, ट्रांसपेरेंसी देखिए ये टॉपिक भी बहुत ईजी है, बट इसको आपको बेसिक क्या समझना है। ट्रांसपेरेंसी में आप कोई काम को कर रहे हैं, जैसे हम आपको एक बेसिक चीज़ बता रहे हैं, ऑफलाइन क्लास जब हम लेते हैं, मुझे नहीं लगता है क्योंकि मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जब क्लासेस दिल्ली में प्रोवाइड भी इवन लॉकडाउन से पहले मैंने करवाया, मैंने वहाँ भी देखा, वहाँ पे क्या है, अगर आप एक बार अपना इनरोलमेंट करवा लिए बाद में आप क्लास लो नहीं लो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका पैसा वो गया, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हाँ, एक बार पैसा देने के बाद टीचर्स कब क्या लेक्चर्स लेंगे, शेड्यूल उसके फिक्स नहीं होंगे, तो ऐसा बहुत सारे मेरे को सुनने को मिला है। बच्चों का इस पे मेल भी बहुत आते हैं कि सर आप ही के इंस्टीट्यूट में जहाँ आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे लेक्चर्स को लेकर डिटेल हो रहा है, एक फ्लो में जा रहा है, दूसरा लेक्चर दूसरे सब्जेक्ट का हो ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैंने देखा। अब ट्रांसपेरेंसी देखिए, स्टडी में भी ट्रांसपेरेंसी, और क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रांसपेरेंसी आपके प्रति होगा, ठीक है, हमारा ट्रांसपेरेंसी इस जगह पे स्टडी में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ एक इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट के प्रति ट्रांसपेरेंसी जितना बेहतर होगा स्टूडेंट उतना बेहतर रिजल्ट निकाल सकता है।
तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, हमारे पास जो इफेक्टिव पावर है वो हम आपके सामने शुरुआत में डिस्क्लोज कर दें, ये ना सोच करके कि हमारा अगर हम अगर डिस्क्लोज कर भी दें तो उसमें फिर हमारा लॉस क्या है। अब प्रॉफिट लॉस को सोचने चलेंगे तो ये तो तय है शुरुआत से ही कि आपका रिजल्ट तो निकलेगा कन्फर्म। तो ट्रांसपेरेंसी में आपको बेसिक चीज़ इस पर थोड़ा फॉलो करना है। तो वैसे ही अब एडमिनिस्ट्रेशन में अगर ट्रांसपेरेंसी अगर हम बात करें तो मतलब क्या है, सरकार जो भी काम करती है आज भी इवन अगर हम बात करें तो सरकार उसको पारदर्शिता के रूप से नहीं स्थापित कर पाई। अब जो सरकार जनता के टैक्स के आधार पे चल रही है, जो गवर्नमेंट जो आज गवर्नमेंट टैक्स जो पब्लिक के दिए हुए टैक्स पे चल रही है, आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट उस जगह पे असफल हो जाती है, उसका जवाब देने में असफल हो रही है। सो ट्रांसपेरेंसी को लेकर आपको समझना है, बहुत सारे ऐसे रूल बनाती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उसके ऊपर शुरुआत में डिस्क्लोज किया जाए। देखिए इसके दो मतलब है, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है उस पर तो हम कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे एक छोटी सी बात है, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो उनके डेथ का जो मिस्ट्री है ये आज के समय का नहीं है, ब्रिटिश पीरियड का है। तो उस समय के कुछ फाइल्स थे, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में वो फाइल इंडियन गवर्नमेंट के पास आया, जापान से आया, रशिया से कुछ फाइल मिला, तो वो फाइल आज भी गवर्नमेंट के पास है। अब सोच कर देखिए ट्रांसपेरेंसी का, गवर्नेंस का, ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा इतना ज़्यादा इंडिया में अभी थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो चुका है कि हमारे देश के जो राजनेता, हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी जिनके वजह से आज हम लोग इस पायदान पे खड़े हैं, उनके ही मौत के बारे में, उन्हीं की मृत्यु के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। और ये हमारा, क्योंकि वे हमारे नेता हैं, उनके बारे में हर चीज़ जानना हमारा अधिकार है, लेकिन आज उनका मृत्यु हुआ तो कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये आज तक हम लोग नहीं जान पाए। जबकि उनके रिकॉर्ड जितने भी है वो आज नई दिल्ली में किसी लॉकर में, किसी दफ्तर में, वो आज भी धूलों के अंदर जमे पड़े हुए हैं। सो ट्रांसपेरेंसी हम इस चीज़ के ऊपर कह रहे हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सरकार डिस्क्लोज नहीं की, ना कभी कभी करेगी, एयर स्ट्राइक पे वो करना गलत है, क्योंकि जो चीज़ मैटर डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी से होता है वो नहीं होता है। आप भी उस जगह पे, आप पोस्ट पे बैठेंगे वो भी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डेकोरम है। बट बहुत सारे ऐसे चीज़ होती हैं, फंक्शंस होती है जिसमें सरकार को ट्रांसपेरेंसी रखना पड़ता है अपने पब्लिक के टूवर्ड, और जो आज हमें देखने को मिल रहा है बेहतर तरीके से, अभी इंडिया में बेहतर तरीके से सब चीज़ ये चल रहा है, लेकिन ये तब गलत होगा जब सरकार इस चीज़ के ऊपर नेग्लिजेंसी अपनाना शुरू करेगी। नेक्स्ट अपना आता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है, टाइम टू टाइम। अब रिस्पॉन्सिवनेस में यहाँ पे आप ये सोच करके देखिए, आप सब में से ना जाने कितने सरकार को मेल चिट्ठी लिखते होंगे, अलग अलग विभाग को, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अलग अलग विभाग को, दफ्तर को, अपने मांग से जुड़े हुए कितने आपने लिखा होगा, याचिका दायर की होगी। लेकिन सवाल एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं, सरकार के प्रति रिस्पांस कितना जल्दी आपके पास आया, आज तक कभी आपने देखा है? कभी नहीं। अब जिस देश में अगर ये एक सबसे बड़ा दिक्कत होगा तो फिर उस देश में एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। उस देश में एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस के एडमिनिस्ट्रेशन, अब एक चीज़ है, आपको अगर प्रॉब्लम है, सीधी सी बात हम एक चीज़ कहते हैं क्लासेस में, अगर आपको प्रॉब्लम है किसी मतलब टॉपिक पे आप पूछना चाह रहे हो और उस पर हम रिस्पांस नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली बात है आप क्लास में डिस्टर्बेंस मतलब क्या है, आप थोड़ा सा अनॉइंग एक्टिविटी करोगे, क्यों, या आपका वो एक टिपिकल वो मुद्दा उस चीज़ के ऊपर हम रिस्पॉन्स ही हम कुछ अपना नहीं दे रहे, नेग्लेक्ट कर रहे, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। तो रिस्पॉन्सिवनेस होना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, जब अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं, जब हमारा टैक्स के दिए हुए सभी चीज़ों से गवर्नमेंट मशीनरी चल रही है तो ये हमारा फ़र्ज बनता है और ये गवर्नमेंट का ये ड्यूटी बनता है कि हमारे प्रति अकाउंटेबल हो, हमारे प्रति अकाउंटेबल हो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कहाँ कौन सा पैसा खर्चा हो रहा है। तो इसके लिए आफ्टर 2005 अब आरटीआई है, अब जिन बच्चों को ये सब पता नहीं है वो आरटीआई के आधार पे वो चेक कर सकते हैं। तो आरटीआई में क्या है कि सरकार के किसी भी विभाग में आप जा कर के उसको फाइल कीजिएगा तो उसमें आपको जवाब मिलेगा। अब वो कितने दिन में मिलेगा वो डिपार्टमेंट तय करेगा, लेकिन आरटीआई का एक मिनिमम एक फंक्शन यही है कि उसमें यही मिनिमम फंक्शन है कि आपको
जवाब मिलेगा सरकार के जिस भी विभाग से। जैसे सपोज करिए आपके घर के अगल बगल आसपास में कोई अगर पुल है, वो कितने करोड़ में बना, उसके टेंडर पास हुए तो कौन से कंपनी को दिए गए, और उसके फंक्शन कब है, तयशुदा वक्त पूरा करने का क्या, ये सब चीज़ अगर आप सरकार से पूछना चाहते हो तो सरकार अभी दे सकती है। लेकिन 2005 से पहले ये प्रावधान भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ये चीज़ था नहीं, अब वो चीज़ लाकर शामिल कर दिया गया। तो अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बहुत सारे गवर्नेंस के पॉलिसीज में बहुत सारे बदलाव आप देखने को मिले आफ्टर 2005 की इस पॉलिसी के बाद, तो अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कंसेंसस ओरिएंटेड। अब ये कंसेंसस ओरिएंटेड का मतलब क्या है? सॉरी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कोई एक बच्चा जिसको प्यास लगा हुआ हो, अब कोई अगर बालक जो जिसका जन्म हुआ है 3 से 4 महीना हो रहा है, वो बोल तो नहीं सकता है, अब बोल नहीं सकता है, तो अब सवाल उस बच्चे के ऊपर है कि अगर उसको कुछ ज़रूरत है वो बोल नहीं सकता है, तो ये हमारा फ़र्ज बनता है ना कि उस बच्चे के प्रति हम कैसे अपने आप का कंसेंस रखें, उसके बिना बोले हुए पे, उसके एक्टिविटी पे, उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे हम उस चीज़ को समझ करके कैसे उसके डिमांड को पूरा करें। सेम वही चीज़ गवर्नमेंट को लेकर यहाँ पे बात आता है। सरकार जिस स्थान पर बैठी हुई है उस स्थान पर गवर्नमेंट के पास हर वो फैसिलिटी अवेलेबल है जिस चीज़ का सरकार को ज़रूरत पड़ता है। तो उस जगह पे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए गवर्नेंस के प्रति कि पीपल का क्या कंसेंस है, वो चाहते क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। इनफैक्ट डेमोक्रेसी के हम जान रहे हैं बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, आप लोग सभी बचपन से ये टर्म पढ़ते आ रहे हैं, अब्राहम लिंकन के द्वारा जो ये कोटेशन इंस्क्राइब किया गया है। बट सवाल यही है कि गवर्नमेंट जब तक इस चीज़ को समझेगी नहीं तब तक ये प्रॉब्लम है कंसेंस ओरिएंटेड को लेकर। तो सरकार को समझना पड़ेगा हमारी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत कहाँ तक है, इसके ऊपर एक एक लाइन हम लिखवा देंगे, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। इक्विटी क्या है? आप फिर वही चीज़ है, आप बेसिक चीज़ है, आपको इसमें क्या समझना है। एक घर में एक फंक्शन हो रहा है, सपोज़ एक घर में एक फंक्शन हो रहा है, एक फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन में घर में टोटल 8 मेंबर है, 8 मेंबर में से 5 मेंबर घर में टोटल पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन उसमें से 3 मेंबर जो है उसको पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं दे रहा, उसको अलग थलग रखने की कोशिश कर रहा है जानबूझ करके। तो एक घर का पूरा फंक्शन है उसमें 5 मेंबर प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रहा है, सोसाइटी देख रहा है कि वो फंक्शन में 5 मेंबर जो है वो अपना लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, लेकिन 3 अपने आप को क्या पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है। तो इस जगह पे हमको समझना है इस फंक्शन में इक्विटी जितना है इस 5 का है उतना इस 3 का भी है, टोटल 8 मेंबर का इक्विटी बराबर है। एक फंक्शन, एक कोई भी कार्य हो, घर मतलब एक देश, घर मतलब एक देश, और मेंबर मतलब सिटीजन्स, और फंक्शन मतलब कोई भी एक ड्यूटी, कोई भी एक ड्यूटी। तो एक देश में हम सभी सिटीजन्स जितने भी हैं हमारा सबका अधिकार अपने कर्तव्य के प्रति बराबर है। ये नहीं किसी एक कम्युनिटी का ज़्यादा है, किसी का एक कम है, किसी के ऊपर एक ज़्यादा हम लोग जिम्मेदारी दे सकते हैं, किसी के ऊपर एक कम, ये कहना गलत है कम्प्लीटली, ठीक है। एंड अब लास्ट इस पे आता है, सेकंड लास्ट आता है इफेक्टिवनेस। अब फिर वही सवाल है कि हम आपको लेक्चर दे रहे हैं और दूसरा चीज़ है आप उस लेक्चर को ऑप्टिन कर रहे हो, लेकिन इफेक्टिवनेस कितना, आप इस लेक्चर को समझ करके आप कितने उसको नोट्स में कन्वर्ट कर रहे हो। तो वही है गवर्नमेंट का किया हुआ काम कितना इफेक्टिव है, ठीक है। इफेक्टिव का मतलब क्या, डेवलपमेंट कितना हो रहा है, सीधी सी बात, आप ऐसा, ये जो हम गवर्नेंस के इतने कैरेक्टर्स को पढ़े हैं इसमें से डेवलपमेंट अल्टीमेट हमें एक चीज़ ही देखने को मिलता है, वो डेवलपमेंट, ठीक है। अल्टीमेट हम लोग डेवलपमेंट से ही हमें सिर्फ ताना बाना हम लोग अपना जोड़ते हैं, तो डेवलपमेंट हमारा कितना हुआ वो मायने रखता है यहाँ पे, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस में डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, मेंस में आपको बेहतर नंबर मिलेगा। ये तो हुआ, और लास्ट है अकाउंटेबिलिटी, लास्ट वाला जो एक है ऑप्शन उसको आप लिख लीजिए, वो होगा अकाउंटेबिलिटी। सो ओवरऑल ये सारे पॉइंट्स है, इसके ऊपर एक एक लाइन हम आप लोग को बता देंगे, इसके ऊपर लिख सकते हैं। फर्स्ट जो पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन में आप लोग लिख लीजिए कि पार्टिसिपेशन बाय बोथ मेन एंड वुमेन इज की, पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन इज अ की कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड गवर्नेंस, कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड गवर्नेंस। पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन इज द कॉर्नर स्टोन
ऑफ द गुड गवर्नेंस। पार्टिसिपेशन नीड टू बी इन्फॉर्म्ड, सेकेंड पॉइंट पार्टिसिपेशन में लिखिएगा पार्टिसिपेशन नीड टू बी इन्फॉर्म्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, नीड टू बी इन्फॉर्म्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। अब सेकेंड जो टॉपिक इसमें है, सेकेंड पार्टिसिपेशन का मैंने लिखवा दिया पॉइंट, सेकेंड है रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ में आपको क्या लिखना है, गुड गवर्नेंस रिक्वायर्ड फेयर लीगल फ्रेमवर्क। रूल ऑफ लॉ में आपको क्या लिखना है, गुड गवर्नेंस रिक्वायर फेयर लीगल फ्रेमवर्क दैट आर इन्फोर्स इम्पार्शियली, दैट आर इन्फोर्स इम्पार्शियली, ठीक है। इट ऑल्सो रिक्वायर फुल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। रूल ऑफ लॉ में यही चीज़ है कि सरकार को मानव अधिकार को लेकर सोचना है। वो जो चीज़ मैंने आपको बताया कानून के भय के ऊपर, जो मैंने शुरुआत में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाया वो यही है, कानून के प्रति भय रहेगा तो हम सभी एक दूसरे के प्रति जितने भी उनके मानव अधिकार हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। अगर कानून का ही डर नहीं रहेगा तो आए दिन हम आप जैसे ना जाने कितने लोग मानव अधिकार को उल्लंघन डेली लोग करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट को आपको याद रखना है, इट ऑल्सो रिक्वायर फुल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है। और इसमें इस चीज़ को और जोड़िए, थर्ड पॉइंट इसमें लिखिएगा इम्पार्शियली, ठीक है, इम्पार्शियली देयर शैल बी द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, देयर शैल बी द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ रिक्वायर एंड इंडिपेंडेंट, देयर शैल बी द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ रिक्वायर एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब रूल ऑफ लॉ होगा, डर रहेगा, डर होने का एक तो प्रति आप खुद के आप खुद से तो हर कोई कानून के प्रति भय बना कर रखे, ये ऐसा संभव तो है नहीं, तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सभी को अगर पता रहेगा कि हाँ न्याय व्यवस्था न्याय प्रणाली स्वतंत्र है, वो किसी के ऊपर भी गाज गिरा सकता है, तो रूल ऑफ लॉ और मजबूत हो सकता है किसी भी कंट्री के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में देखिए, लिखिए इसमें कुछ पॉइंट्स एक दो। ट्रांसपेरेंसी मीन्स दैट डिसीजन टेकन, ट्रांसपेरेंसी मीन्स दैट डिसीजन टेकन एंड देयर इन्फोर्समेंट आर डन दैट इसको कंप्लीट लिख लीजिए। ट्रांसपेरेंसी मीन्स दैट डिसीजन टेकन एंड देयर इन्फोर्समेंट आर डन इन अ मैनर दैट फॉलो रूल एंड रेगुलेशन। Transparency means that decision taken and their enforcement are done in a manner that follow rules and regulation. ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी का लास्ट कोर जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स में आप इस चीज़ को नोटिफाई कर सकते हैं अपने आंसर शीट में। इट ऑल्सो मीन्स दैट इनफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, इट ऑल्सो मीन्स दैट इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड is provided and that is provided in easily understandable form of media. अब सरकार ट्रांसपेरेंसी चीज़ को अगर प्रोवाइड कर रही है तो ऐसे मीडिया फॉर्म में प्रोवाइड करे कि हम उस चीज़ को कोई भी आम ग्रामीण स्तर के इंसान हो या शहरी क्षेत्र के इंसान उस चीज़ को देख करके समझ सके। सो इट ऑल्सो मीन्स दैट इनफ इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड एंड दैट इट इज प्रोवाइडेड इन ईजिली अंडरस्टेबल फॉर्म एंड मीडिया। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस में सिर्फ एक लाइन इसमें आप लिखिए काफ़ी होगा, गुड गवर्नेंस रिक्वायर एन इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस ट्राई टू सर्व ऑल स्टेक होल्डर विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। तो वही चीज़ है, समय अवधि के अनुसार अगर आप किसी को रिस्पांस दे रहे हैं, जितने भी स्टेक होल्डर मतलब हम जितने भी भारतवासी हैं, हम सभी नागरिक भारत के स्टेक होल्डर हैं, हमारे प्रति हमारा जो भी दिक्कत होता है समस्या होती है सरकार का वो कर्तव्य बनता है हमारे प्रति रिस्पॉन्सिवनेस होना। अगर ये सारा फंक्शंस को गवर्नमेंट प्रोवाइड करिए तो हम मानेंगे कि वो गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस के पॉलिसी पर आगे बढ़ रही है। सेकेंड इसके बाद लिखिएगा कंसेंस ओरिएंटेड वाले पॉइंट में। कंसेंस ओरिएंटेड पॉइंट में लिखिएगा क्या, गुड गवर्नेंस रिक्वायर्ड मीडिएशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट।
different interest of society. And the best interest of the whole community, and the best interest of the whole community inscribe that what we can to achieve. तो हम क्या प्राप्ति करना चाहते हैं, ठीक है, वो तभी संभव है जब सरकार हमारे समस्याओं को बिना कहे ज़रूरत के हिसाब से देख करके, सरकार जब उस चीज़ को समझे, सिचुएशन जैसे जैसे बदल रहे हैं सोसाइटी के, सरकार उस चीज़ को ऑब्जर्व करके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मशीनरी वो सारे अवेलेबल होते हैं, तो उस चीज़ को देखकर हमारे कंसेंस रखते हुए सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाए. तो कंसेंस ऑरिएंटेड होना ज़रूरी है गवर्नेंस में. नेक्स्ट है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस. इसमें लिखिएगा, ठीक है, अ सोसाइटी वेल बींग डिपेंड ऑन इंश्योरिंग, अ सोसाइटी वेल बींग डिपेंड ऑन इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स मेंबर फील दैट दे आर, दैट दे हैव अ स्टेक इन इट. मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दिया था कि एक फैमिली में फंक्शन हो रहा है जिसमें तीन को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा, तो वो तीन क्या अपने आप को क्या समझेगा, पिछड़ा हुआ समझेगा, इस परिवार में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है. इक्विटी तो उनको भी उतना बराबर देना चाहिए. तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, हमारे समाज में आपका जितना कर्तव्य है उतना हमारा, और हमारा जितना है उतना बाकी सबका भी है. उसमें ये नहीं कि किसी एक समाज का ज़्यादा भागीदारी हमें देखने को मिलेगा, दूसरे समाज का भागीदारी हमें कम देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये चीज़ है. तो स्टेक इन इट एंड डू नॉट फील एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, एंड डू नॉट फील एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी. नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस. इसमें लिख लीजिए, गुड गवर्नेंस मीन्स दैट प्रोड्यूस अ बेटर रिजल्ट by the mean of their strong institution. ठीक है, अब जब strong institution आप अपना बना करके रखेंगे, अब जैसे आपको पढ़ना है, अभी study करना है, तो आपका study effective study कैसे में convert होगा, जब आपके पास सारे equipment सारे available हो, on the spot available हो, जितने भी requirement material आपको चाहिए. तो वैसे सरकार को काम करने के लिए सारे मशीनरी सारे institutions वैसे strong base में मौजूद होना सरकार के लिए हर समय अनिवार्य है. अकाउंटेबिलिटी के लिए लास्ट एक पॉइंट आपको लिखना है, इट इज़ द की रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड गवर्नेंस, इट इज़ द की रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड गवर्नेंस, एंड इट इज़ नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर द गवर्नमेंटल सेक्टर, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ओनली द गवर्नमेंटल सेक्टर, बट ऑल्सो द प्राइवेट सेक्टर एंड द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. और वही चीज़ है अकाउंटेबिलिटी, इसमें से तो कोई पॉइंट सरकार के प्रति इंगित डायरेक्ट नहीं कर रहा है, उतना हमारे ऊपर भी ये बात कह रहा है बराबर तौर पर, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के ऊपर में हम अगर हम समझे समाज को अगर बेहतर तरीके से अगर चलाना है तो उसमें गुड गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस है. चलिए ठीक है, तो गुड गवर्नेंस में सिर्फ सरकार का ही है नहीं कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल हमारे प्रति हो, हमारे सिविल सोसाइटी जो है, जैसे जो छोटे छोटे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो बने हुए रहते हैं उनका भी बहुत मतलब कंट्रीब्यूशन होता है अकाउंटेबिलिटी के फैक्टर पे. आप कोई जैसे आप मान के चलिए कोई लेप्रोसी के आधार पे कोई कम्युनिटी बना हुआ हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ हो, या तो बालिका गृह बनाया हुआ हो, ठीक है, समाज के कुछ वर्ग के द्वारा मिलाकर एक ट्रस्ट एक सोसाइटी बनाया गया है जो बालिका के ऊपर काम कर रहा हो, जननी सुरक्षा के आधार पर वो कुछ काम कर रहा हो, अब वो जो ट्रस्ट बनाकर ये सब मुद्दे पे काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, समाज के उत्थान के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो फिर अकाउंटेबल नहीं है, वो काम कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वो अगर हमारे प्रति जवाबदेही नहीं है, ठीक है, उसका जवाबदेही अगर देखने को नहीं मिलता तो फिर क्या होगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे नेगेटिव एक्टिविटी, ठीक है, डिस्ट्रप्टिव, वहाँ पे फिर आपको मीन वैल्यू बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे. जो चीज़ आपको बीते डेढ़ दो साल में न्यूज़ आपको देखने को मिलता है, आप लोग को याद होगा बिहार में मुजफ्फरपुर में सेम ऐसा एक केस देखने को मिला था 2019 बालिका गृह से ये केस आया था, वो तो सिविल सोसाइटी का हिस्सा है ना, बट वहाँ पे क्या था, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है वो लोग को पता है कि जवाबदेही तो बाहर जाकर देना है नहीं, तो वे लोग
ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन कर रहे हैं, नेगेटिव अप्रोचेज अपना रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इन बातों को समझते हुए गुड गवर्नेंस के वैल्यू को समझना है। आज गुड गवर्नेंस के मैंने फैक्ट्स को समझाया, कल हम लोग जब आएंगे तो चैलेंज इन दी गवर्नेंस इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम आप हम सभी जो कोई भी जुड़े हुए हैं सबका ये मुद्दा है कि भारत में सबसे बड़ा प्रशासन को चलाने को लेकर भारत सरकार के सामने सबसे बड़ा चुनौती कौन सा है। उन चैलेंजेस के ऊपर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, स्पेशली अभी एक एक टॉपिक के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप लोग का जैसा रिस्पांस आता है उस रिस्पांस के आधार पे फिर आके हम लोग बढ़ेंगे। बट आप सभी को ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो भी UPSC एस्पिरेंट है, पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट हैं, उन तक इस बात को आप पहुँचाएँ, वीडियो को शेयर करें। कल हम लोग डिस्कस करेंगे चैलेंज इन द सेक्टर ऑफ इंडियन गवर्नेंस, इसके मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इससे रिगार्डिंग कुछ डाउट्स अगर होते हैं आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे auxiliumis410@gmail.com पे, कमेंट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं उस पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो आपके पास सारे अब हमने इंतज़ाम कर दिए हैं, अगर आपको हम तक जुड़ना है तो आपके पास सारे वैसे इक्विपमेंट्स डिस्क्रिप्शन पे मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं फर्दर। कल के लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, कोई अगर डाउट रहता आप मेल करें, ठीक है? ओके, दिन।